वेलकम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे पावर प्लांट में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है इस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में मेन रोल है इस so, इस सिंक्रोनोस्कोप का सो प्रोसेस में कंट्रोल रूम इंजीनियर का क्या काम है जैसे ही सिंक्रोनोस्कोप का, का काटा घूमते घूमते ये ट्वेल्व ओ क्लॉक पोजिशन पे आए और ये लैंप ग्लो कर जाए इस ऑपरेटर का काम है इस ब्रेकर में एक क्लोज कमांड देना जिससे ये ऑन हो जाए सो so, देखो जेनरेटर ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो गया बस इसी तरीके से इंडस्ट्री में सिंकोनाइजेशन किया जाता है लेकिन किताब में तो हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल फेज सीक्वेंस ये सब पैरामीटर को देखने के बाद सिंकोनाइन किया जाता है कंट्रोल रूम इंजीनियर को अगर इतना सारा पैरामीटर को देखते हुए सिंकोनाइज करना पड़े तब तो इस बेचारे से गलती हो ही जाएगा और यहाँ पे गलती का मतलब ये जेनरेटर जल जाना जिससे करोड़ों का नुकसान हो सकता है लेकिन इस सिंकोनास्कोप की हेल्प से तुम टेंशन फ्री रह सकते हो तो चलो आज इस सिंकोनाइजेशन स्टोरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे तुम्हारा थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाएगा सो so, फर्स्टली समझते हैं सिंक्रोनाइजन होता क्या है इस जनरेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट करना या जोड़ना यही है सिंक्रोनाइजेशन अब भाई नेक्स्ट सवाल आता है ये ग्रिड है क्या ग्रिड बेसिकली एक समंदर है जहाँ पे बहुत सारा लोड और सोर्स दोनों कनेक्टेड है जैसे रिवर में थोड़ा सा पानी डाल दोगे या पानी निकाल लोगे उससे रिवर लेवल का कोई चेंज नहीं आता है अपरेंटली उस समंदर का वाटर लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सिमिलरली इस ग्रिड में इस जनरेटर को कनेक्ट करने से ग्रिड का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है सो so, कहने का मतलब ये है ग्रिड का फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज तुम कांस्टेंट मान सकते हो सो so, ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब इस कॉन्टेक्स्ट पे मेरा एक स्टूडेंट बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा था सर किसी जेनरेटर को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करते समय हम लोग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल ये सब क्यों कंसिडर करते हैं अगर मोटर को किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड करना पड़े तो ये सब तो हम लोग नहीं देखते हैं दिस इज बेसिकली वेरी वैलिड क्वेश्चन देखो मान लो यहाँ पे दो जेनरेटर पैरल ऑपरेट कर रहा है और इसके टर्मिनल पे लोड कनेक्टेड है अब एक तीसरा जेनरेटर को यहाँ पे हम लोगों को पैरल में कनेक्ट करना है सो so, ये दो जनरेटर ऑलरेडी इस सिस्टम में रनिंग था तो ये दो जनरेटर को रनिंग जनरेटर कहा जाएगा और ये इनकमिंग जनरेटर है क्योंकि इसको सर्किट में जोड़ना है तो ये दोनों रनिंग जनरेटर का जो वोल्टेज होगा उसके साथ इसका वोल्टेज मैच करना चाहिए बढ़ना होगा क्या ये रनिंग जनरेटर और इनकमिंग जनरेटर के बीच में एक सर्कुलेटिंग करेंट फ्लो कर जाएगा जिसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है इसके पीछे रीजन क्या है देखो जनरेटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मतलब जेनरेटर का जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है सो so, थोड़ा सा वोल्टेज का भी डिफरेंस होगा ना ये रनिंग जेनरेटर और इनकमिंग जेनरेटर में तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा जो जनरेटर का स्टेटर वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है ना ऑल्टरनेटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो तो है ए वोल्टेज सो वोल्टेज इक्वल होने का मतलब है ये तीनों पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए हाँ अगर डीसी जनरेटर होता तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके साथ साथ फेज सीक्वेंस भी तीनों जनरेटर का सेम होना चाहिए अब सिंक्रोनाइजेशन टाइम पे सोचो ये है ग्रिड का वोल्टेज और ये है जनरेटर का वोल्टेज अगर इस इंस्टेंट पे हम लोग इस ब्रेकर को क्लोज करते हैं तो देखो जनरेटर वोल्टेज और ग्रिड के वोल्टेज में डिफरेंस है और यही वोल्टेज जनरेटर को डैमेज करने के लिए एनफ है सो so, जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल अगर इस तरीके का होगा तो सिंक्रोनाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे सो so, क्या करना पड़ेगा टरबाइन और एवीआर के मदद से जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल को ग्रीड के साथ मैच कराना पड़ेगा कैसे मैच कराना पड़ता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं अभी के लिए देखो जनरेटर और ग्रीड का वोल्टेज इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम है सो आवर इनकमिंग जनरेटर इज रेडी फॉर सिंक्रोनाइजेशन अब जीसीबी पे हम लोग ऑन कमांड दे सकते हैं क्योंकि ग्रीड का वोल्टेज प्रोफाइल और जनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल सब सेम है बट व्हाट अबाउट दिस फेज सीक्वेंस फेज सीक्वेंस को कैसे चेक करना है देखो फेस सीक्वेंस को लेके कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि जब जनरेटर एक बार ग्रीड के साथ कनेक्टेड हो जाए उसको बार बार थोड़ी ना हम लोग खोलते हैं जस्ट इस ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं सो फेस सीक्वेंस एक बार बिगिनिंग में चेक हो जाता है उसके बाद से फेस सीक्वेंस के बारे में हेडेक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है बस ये तीनों पैरामीटर के बारे में अब सोचो अब अगर हम लोगों को सिर्फ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड के बारे में कंसिडर करना है तो उसके लिए दो वोल्टमीटर लगा हुआ रहता है एक ग्रिड के लिए और एक जनरेटर के लिए सो so, उससे तुम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेक कर लोगे और फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल के लिए सिंकोनोस्कोप है जब फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल ऑलमोस्ट सेम हो जाए तभी सिंक्रोनोस्कोप तुमको एक सिग्नल देगा कि भाई तुम अब जी को यानी जनरेटर सर्किट ब्रेकर को ऑन कर सकते हो इस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा समझेंगे उससे पहले एक मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे ए और टर्बाइन के मदद से जेनरेटर का वोल्टेज प्रोफाइल को ग्रिड के वोल्टेज प्रोफाइल के साथ एग्जैक्ट मैचिंग में लाना है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो एक्चुअली पावर प्लांट में होता क्या है टर्बाइन के थ्रू जनरेटर का रोटर को घुमाया जाता है और ये रोटर रोटेट कैसे करता है इसके थ्रू स्टीम फ्लो कराने से टर्बाइन का सेप रोटेट करेगा जो कनेक्टेड रहता है जनरेटर के साथ सो जनरेटर का रोटर भी घूमने लगेगा अब इस पिक्चर में देखो इस जनरेटर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है सो जनरेटर का रोटर घूमने लगा अब जनरेटर से पावर प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स का ज़रूरत है तो ये फ्लक्स आएगा इस डीसी एक्साइटेशन से तो जैसे ही डीसी एक्साइटेशन ऑन करोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और रोटर घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी घूमते रहेगा अब ये तो सिंपल सी बात है यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा और जनरेटर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी रोटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा नाउ लेटेस्ट कंसिडर दिस इज द जेनरेटर वोल्टेज अब अगर ये डी सी एक्साइटेशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे मतलब इस फ्लास्क को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा जेनेटर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा और सिंपली एक्साइटेशन को घटाओगे तो वोल्टेज घट जाएगा अब चलो देखते हैं इस जेनेटर वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहां पे तो हम लोग ऑलरेडी देखे जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है टर्बाइन स्पीड के ऊपर सो so, टर्न का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो तो उससे क्या होगा जनरेटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा अब टर्बाइन का स्पीड तुम कैसे बढ़ाओगे उसके लिए ज्यादा स्टीम इनपुट दोगे तो टर्बाइन फास्ट घूमने लगेगा जिससे जनरेटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी घटाना है तो टर्बाइन को और थोड़ा सा स्लो घुमाओ स्टीम इनपुट कम कर दो बस इसी तरीके से जेनरेटर का एक्साइटेशन को कंट्रोल करके और स्पीड को कंट्रोल करके जेनरेटर का जो वोल्टेज प्रोफाइल है उसको ग्रिड के साथ मैच कराना है नाउ लेट्स सिंक्रोनाइज़ द जेनरेटर सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ चुके हो तो कंसिडर करो तुम कंट्रोल रूम इंजीनियर हो और तुम्हें सिंक्रोनाइज करना है तो उसके पहले ये लेआउट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं देखो ये है जेनरेटर ट्रांसफार्मर ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है जो जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको स्टेप अप करता है क्योंकि ग्रिड के थ्रू ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों को 220 सौ के भी या 400 सौ के भी जितना हाई वोल्टेज चाहिए लेकिन जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली 15.5 पॉइंट के भी टू ट्वेंटी वन के भी इस टाइप का होता है सो so, इस जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज स्टेप अप हुआ उसके बाद दो आइसोलेटर्स रहता है और उसके बीच में एक जेनरेटर सर्किट ब्रेकर यानि कि जी अब तुमको तो पता ही होगा आइसोलेटर ऑफ लोड ऑपरेशन के लिए है और सर्किट ब्रेकर ऑन लोड ऑपरेशन के लिए सो so, जब सिंक्रोनाइज करना होगा तो पहले हम लोग आइसोलेटर को लगा लेंगे उसके बाद जी में ऑन कमांड देंगे लेकिन जीसीबी ऑन करने से पहले हम लोग को बहुत सारा पैरामीटर देखना है जैसे कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फ्रिक्वेंसी फेज एंगल सो जैसे दो वोल्ट मीटर का बात हम लोग ऑलरेडी किए थे एक ग्रिड वाला वोल्ट मीटर होगा और एक होगा जनरेटर का तो so, ये दो वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग देखेंगे जीसीबी के दोनों साइड में जो दो वोल्ट मीटर है उसमें वोल्टेज कितना शो कर रहा है तो so, ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा ग्रिड का कितना वोल्टेज है और यहाँ पे जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कितना वोल्टेज है वो शो करेगा ये वोल्टमीटर एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ये दोनों वोल्टमीटर का रीडिंग सेम होना चाहिए अब फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल चेक करने के लिए तुमको चाहिए एक सिंक्रोनोस्कोप सो so, देखो यहाँ पे हम लोग ये दोनों जगह पे वोल्टेज को मॉनिटर कर रहे हैं सो so दैट जब हम लोग इस जेनरेटर सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे तब दोनों पॉइंट में वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम हो ये तो हो गया वोल्ट मीटर और सिंक्रोनोस्कोप का कनेक्शन का बाद तो अब तुमको सिंक्रोनाइज करना है तो अब तुमको क्या करना है टर्बाइन को रोटेट कराना है तीन हजार आरपीएम पे सो so दैट इसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट फिफ्टी हर्ज हो जाए क्योंकि जनरेटर का नंबर ऑफ पोल होता है टू तो वन ट्वेंटी ए बाई पी फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो तीन हजार आरपीएम पे फ्रीक्वेंसी आएगा फिफ्टी हर्ज नेक्स्ट क्या करना है ये आइसोलेटर तो ऑफ लोड ऑपरेशन के लिए है तो ये दोनों आइसोलेटर को क्लोज कर लो तो अब ये दोनों वोल्टमीटर में कितना वोल्टेज शो करेगा ये तो ग्रिड का वोल्टेज शो करेगा और ये इसमें कितना शो करेगा थोड़ा सोचो इसमें अभी भी जीरो ही शो करेगा क्योंकि अभी तक हम लोग वोल्टेज बिल्डअप नहीं किए हैं ना तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए फ्लक्स चाहिए सो so, इस फील्ड ब्रेकर को क्लोज करो ये फील्ड ब्रेकर क्लोज करने के बाद इस वोल्ट मीटर में तुमको वोल्टेज शो करेगा सो so, ए बी आर में एक्साइटेशन को कंट्रोल करके ये दोनों वोल्टेज को ऑलमोस्ट सेम लाओ अब जनरेटर फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल को कंट्रोल करना है तो सिंक्रोनोस्कोप ऑन कर दो देखोगे पॉइंटर किसी एक डिरेक्शन में रोटेट करेगा अगर ये पॉइंटर स्लो डिरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो तब तुमको क्या करना है टर्बाइन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ जिससे इस पॉइंटर का स्पीड देखोगे ग्रेजुअली कम हो गया टर्बाइन का स्पीड और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो देखोगे सिंक्रोनोस्कोप फास्ट डिरेक्शन में रोटेट कर रहा है अब इस फास्ट डिरेक्शन में ही तुमको सिंक्रोनाइज करना है जैसे ही ये पॉइंटर घूमते घूमते इस 12 ओ क्लॉक पोजिशन पर आएगा तुमको जी में ऑन कमांड देना है और जी ऑन हो जाएगा लेकिन अगर इस रीजन से बाहर ये पॉइंटर चला जाए और तब तुम ऑन कमांड दो तब देखो ग्रेड और जेनरेटर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दैट में डैमेज योर जेनरेटर अब देखो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो कंट्रोल रूम इंजीनियर भी तो एक इंसान है उससे भी गलती हो सकता है जस्ट तुमको देख के ट्वेल्व ओ क्लॉक पोजिशन पर ऑन कमांड देना है सो so, गलती का गुंजाइश तो है ही यहाँ पे लेकिन ह्यूमन एरर के चलते करोड़ों रुपए का जनरेटर जल जाना ये भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है इसीलिए दो रिले यूज होता है एक है चेक सिंको रिले एक है गार्ड रिले अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है और तुम जी में ऑन कमांड देते हो तब भी ये जी ऑन नहीं होगा सो so, इसका मतलब ये कंडीशन जब फुलफिल हो और तुम ऑन कमांड दो तभी जी ऑन होगा सो so, ये दो रिले से तुमको परमिशन चाहिए रिले तुमको परमिशन देगा ओके तुम सिंक्रोनाइज कर सकते हो और गार्ड रिले का थोड़ा उल्टा है गार्ड रिले क्या करता है हमेशा एक ऑब्जेक्शन बिठा के रखता है तुम जीसीबी को ऑन नहीं कर सकते हो अब जब वोल्टेज प्रोफाइल दोनों का मैच करेगा तब गार्ड रिले अपना ऑब्जेक्शन हटाता है गार्ड रिले कहता है मुझे अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अब ये दोनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल हो जाए और तुम ऑन कमांड दो भी जीसीबी ऑन होगा जिससे ये जनरेटर सिंक्रोनाइज हो जाएगा ग्रिड के साथ ये तो हो गया मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन के बाद नाउ ए डे मॉडर्न पावर प्लांट में ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का भी ऑप्शन है ऑटो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कंट्रोल रूम इंजीनियर को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रॉपर टाइम देख के एक ऑन कमांड देगा जिससे जीसीबी ऑन हो जाएगा बट ये सब कंडीशन सेम ही रहता है सब कुछ मॉनिटर होता है जो सिग्नल यहाँ पे ऑपरेटर दे रहा था वो सिस्टम इशू करेगा आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट मिलते हैं अगले वीडियो में दैट्स ऑल फॉर नाउ गुड बाय